नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ BA सेकेंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण के मौलिक सिद्धांत, जिसमें से मैं शॉर्ट आंसर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। और जितने भी शॉर्ट आंसर मैं कराने वाली हूँ सारे मोस्ट हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ें और अच्छे से रिवीजन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे पता चले कि आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। जैसे कि प्रश्न आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 16 है और इसमें कह रहे हैं विटामिन के का शारीरिक कार्य बताइए। विटामिन के का जो शारीरिक कार्य है उसके बारे में बताइए। विटामिन के रक्त जमने के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ बच्चों, यह विटामिन के किस लिए आवश्यक होता है? रक्त जमने के लिए। यदि विटामिन के अधिक मात्रा में दिया जाए तो प्रोथ्रोमिन स्तर बढ़ जाता है। प्रोथ्रोमिन स्तर बढ़ जाने से क्या होता है बच्चों? और कम बढ़ जाता है, और कम दिया जाए तो घट जाता है। और नंबर 61 है बच्चों, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? आप सब जानते होंगे आशा करती हूँ कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। मरसमस और कोरस रोग होते हैं। और नंबर 62 है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बतलाइए। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है बच्चों? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और पौधों में ऑस्टो मलेशिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टो मलेशिया नामक रोग हो जाता है। और 63 है, शुष्क बेरी बेरी रोग का मुख्य लक्षण क्या है? बेरी बेरी रोग जो होता है उसका मुख्य लक्षण क्या है बच्चों? शुष्क बेरी बेरी रोग का मुख्य लक्षण तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार प्रमुख होते हैं। और नंबर 64 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सबको पता है आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, इसलिए ये बच्चों मोस्ट हैं, सारे मोस्ट हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लें। जल हमारे शरीर का कितने प्रतिशत भाग है? शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% है, किंतु 55% से लेकर 17% होती है। और पेस्टुराइजेशन से क्या तात्पर्य है? दूध को स्वच्छ तथा कीटाणु रहित बनाने के लिए पेस्टुराइजेशन किया जाता है, जिससे दूध पर एक क्रिया की जाती है, यह क्रिया पेस्टुराइजेशन कहलाती है। जैसे दूध को स्वच्छ और कीटाणु रहित बनाने के लिए दूध पर एक क्रिया की जाती है जो पेस्टुराइजेशन कहलाती है। दूध के हीमोजिनाइजेशन से क्या अभिप्राय है? सामान्य रूप से दूध में वसा के बड़े बड़े कण उपस्थित होते हैं, जिससे दूध सुपाच्य नहीं होता है। यदि दूध पर दबाव डालकर इसके वसा के कणों को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या दूध का होमोजिनाइज्ड दूध कहलाता है? क्या कहलाता है? होमोजिनाइज्ड दूध कहलाता है। नंबर 68 है बच्चों, भोजन को पकाने और परिष्कृत करने में की कितनी विधियां प्रचलित हैं? देखते हैं कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं। ये मोस्ट है बच्चों, ये हमारे वाइवा जब होता है उसमें भी पूछ लेते हैं। भोजन को पकाने और परिष्कृत करने की निम्नलिखित विधियां प्रचलित हैं। नंबर 1 है, पानी में उबाल कर वाष्प द्वारा, और तंदूर में पकाना, आग पर सेकना, तलना, डिब्बाबंदी और निर्जलीकरण, इतने हमारे भोजन पकाने की परिष्कृत विधियां हैं। और 69 है बच्चों, भोजन पकाते वक्त राइबोफ्लेविन किस प्रकार से नष्ट हो जाता है? भोजन बनाते वक्त भोज्य पदार्थ पर गिरने वाली तीज प्रकाश किरणों से नष्ट होता है। नंबर 2 है, भोज्य पदार्थ को गर्म करने से नष्ट होता है। भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त अतिरिक्त पानी को ओषा देने से भी नष्ट हो जाता है। भोजन बनाते समय दाल व सब्जियों में मीठा सोडा मिला देने से भी क्या राइबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है। नंबर 70 है बच्चों, कब्ज का इलाज किस प्रकार किया जाता है? कब्ज का इलाज 3 प्रकार से किया जाता है, जैसे व्यक्ति की आदतों को बदल कर किया जाता है, आहार चिकित्सा द्वारा किया जाता है, चिकित्सीय उपाय द्वारा किया जाता है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता रानी, आप सभी का दिन अच्छा हो। बाय बाय।